नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में वो बातें बताने वाला हूं जिसको सुनते ही या तो आप वीडियो को कट कर दीजिएगा या वीडियो को आप पॉज करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर जो लोग आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखेंगे, मैं यहां से दावे के साथ में कहता हूं, आज के बाद जिंदगी में हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने का 100% गारंटी है। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सुजीत सर आज बातें आप किसकी करने वाले हैं। आज बातें करने वाले हैं लुसेंट की, और बड़ी मजेदार बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा समस्या हो रही है वो प्रीलिम्स पास होने की। आप हजारों रुपया बढ़ा देते हैं, आप घर से लड़ के झगड़ के पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं होता है। जिम्मेदारियां सारी आप ही लगाई जाती है। मां बाप, परिवार, समाज, देश, सब कोई ताने आपको देता है, लेकिन कोई एक बार उलट के मुझे ताने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने विरासत में इतनी सक्सेस करवा दिया हो कि उसी का गीत गा के पूरी जिंदगी काट लेता हूं। ये सबसे बड़ा 21वीं सदी का मजाक है जो शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे शिक्षक करते हैं। मानो या ना मानो, यही सच है। कोई ऐसा शिक्षक ये नहीं सोचता है कि कोई स्टूडेंट अगर हजारों रुपया वन टाइम पेमेंट करता है तो उसके साथ में कोई मजबूरी होगी। अरे हम कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर आप 10,000 फीस लेते हो तो उसे 50,000 का ज्ञान दो, लेकिन 10,000 फीस लेते हो तो 10,000 का ज्ञान दो। ऐसा ना हो कि 10 रुपए का ज्ञान देके उसे सड़क पे बेरोजगार बना के छोड़ दो, और ये बनाने वाले हम खुद हैं। बच्चा बेरोजगार नहीं है, बच्चा के पीछे बेरोजगार बनाने के पीछे मैं खड़ा हूं, और ये मैं दिल से कहता हूं, किसी और शिक्षक की बात नहीं करता हूं, मैं खुद की बात करता हूं। अब बातें वो होनी चाहिए जो आपके दिल, दिमाग और धड़कन को हिलाकर रख दे कि सुजीत सर 20 दिन में लुसेंट को कंप्लीट करवाना। आपको नहीं लगता है कि आप खुद के साथ मजाक करते हैं या आप अपनी दुनिया के सामने मजाक के पात्र बन रहे हैं? जो बोलना बोल लो, ये तो आपको सोचना है, लेकिन मुझे पता है मैं सही ट्रैक पे दौड़ रहा हूं। अब आपको अपनी जिंदगी का पता नहीं है, आपको अपने सक्सेस का पता नहीं है, आप मेरा पता करने चले हो, क्या कमाल की बात है। इसे 21वीं सदी में यह भी सबसे बड़ा मजाक है। चलो सुजीत सर बताओ कि सच क्या है। सच है कि 20 दिन में लुसेंट को कंप्लीट किया जा सकता है। जब भी एक तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, इतने सारे काम है जिसकी वजह से हमारी संस्था स्योर सक्सेस में इतने सारे क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शनल के क्लास चल रहे हैं, जीएस के क्लास चल रहे हैं, मेंस की क्लास चल रहे हैं, प्रीलिम्स की क्लास चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है, और सब में मैं इन्वॉल्व हूं। जब सब में मैं खड़ा हूं तो यही वजह होता है कि यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो मैं लेके नहीं आ पाता हूं। अब जो भी कॉल रिसीव करता हूं, और सबसे ज्यादा बिटिया रानी के साथ समस्या है, मैं दिल से कहता हूं सर झुका के, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। फोन उठाते ही एक ही बात आता, सुजीत सर बस किसी तरह प्रीलिम्स पास करवा दो, मैं आपकी संस्था स्योर सक्सेस में चली आऊंगी। बस सारी समस्या प्रीलिम्स में है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लड़कियां हैं जिनको पता है कि सुजीत सर किसी तरीके से प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो हमारे घर वाले हमें अपनी जिंदगी, हमारे अपने सपने को पूरा करने के लिए पटना प्रयागराज या मुखर्जी नगर भेज देंगे। सुनने के बाद बड़ी अजीब सी लगती है कि कितनी उम्मीद करती है, कितनी ज्यादा उम्मीद करती है। ऐसे ही कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, किसी ने कह दिया कि सुजीत सर अगर आपके बच्चे आपके पास में नहीं पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे। मैंने सिंपल एक बात बता दिया कि जिस बच्चे के साथ में आप ईमानदारी से काम कीजिएगा वो बच्चा छोड़कर आपको कभी नहीं जाएगा, वो आपके काम का एहसान जिंदगी भर चुकाएगा, क्योंकि आपका बच्चा वफादार होता है। अगर कोई बच्चा आपको ताने देता है तो सीधा सा मतलब है आप अपने कर्म को सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं बच्चों के सामने। और कुछ एक्सेप्शन पर्सन होते हैं जिनको अच्छा कर भी दो फिर भी वो आपको बदनाम के पात्र बना देंगे। इसकी हम सोचना है, सोचते भी नहीं और इसकी कल्पना भी नहीं करते। आइए अब जो चर्चा करते हैं लुसेंट की, यही वो लुसेंट है जिसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग, लाजवाब है, मजा आ जाएगा। आज इस बुक को 20 दिन में कंप्लीट करने की फुल चैलेंज है।
अब आपको लगेगा सुजीत सर क्या 20 दिन में कंप्लीट हो पाएगा? हां हो जाएगा, मैं दावा देता हूं। अब एक बार एक डेमो के थ्रू आपको प्रूव कर देता हूं, उसके बाद चलेंगे अपने सेशन के अंदर। आपको मैं ये कहता हूं कि आप मुझे डिसाइड करके बता दो कि 2021 में आप एससीएम बनोगे, कहीं पर लिख के बता दोगे। आपका दिल दिमाग और धड़कन एक ही बात बोलेगा, क्या मजाक कर रहे हो सुजीत सर, मजाक क्या कर रहा हूं? आप तो टाइम डिसाइड ही कर रहे हो और आप मेहनत करने चल रही हो, आप अपने घर से बाहर निकल गए हो, मां बाप के साथ में सबसे बड़ा मजाक कर रहे हो, इस देश के साथ में सबसे बड़ी गद्देदारी हो रही है और वो करने वाले आप खुद हो। कर भी है लेकिन दिल की बात है। एक बार घर से निकलने वक्त खुद के साथ में एक प्रॉमिस करो, 2021 लास्ट है, 67वीं हमारी जिंदगी का अंतिम एग्जाम है, अंतिम इम्तिहान है, अगर हो गया तो हो गया नहीं तो लौट के चला जाऊंगा। या फिर ये जिंदगी रह के क्या करेगी, ये इस वक्त वही कसम खाना है जैसे गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहा, या तो मैं जिंदा रहूंगा तो हमारा देश आजाद रहेगा, और अगर अभी भी गुलामी के जंजीर में बना रहेगा तो मैं जीना पसंद नहीं करूंगा, और यही कसम आपको खाना होगा, डू एंड डाई, तभी मामला बनने वाला है, नहीं तो भीड़ के पात्र बनने वाले हो। जहां कहो लिखवा लो, कर भी है, दिल की बात है, आपको मानना पड़ेगा। बहुत कर लिए मजाक, और मजाक अपनी जिंदगी के साथ में तो कर ही रहे हो, सबसे बड़ी गुनाह तब हो रही है जब अपने मां बाप के साथ कर रहे हो। कभी आपने सोचा मां बाप ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां आपके साथ कुर्बान कर दिए, आपको नहीं कह दिए, जिंदगी का आधा लम्हा गुजर चुका है, अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ है, कब मिलेगी वो बात, कब आपके मां बाप खुश होंगे आपसे, तब जब आप दुनिया छोड़कर चले जाओगे या तब जब आपके मां बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे? जवाब दो, दोनों बात आपके पास में है, जिस बात को आज पकड़ोगे वही आपका कल सच होने वाला। बातें तो ऐसी करके चल रही है जैसे सुनो तो दिल दिमाग और धड़कन तीनों एक साथ रहेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में सुनामी भरने आया हूं, सुनामी भर के जाऊंगा, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए आप किसी गुरु की जरूरत नहीं है बल्कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और वो है सुनामी, उसको लाना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे ला आसमान चीर दो या जमीन फाड़ दो, सुनामी लाना पड़ेगा और तभी सक्सेस मिलेगी। वरना इस दुनिया में एक शिक्षक से लेके, एक दोस्त से लेके, एक सक्सेसफुल इंसान से लेके, एक टॉपर से लेके, सबको आपके साथ मजाक करता है और आपको पता ही नहीं चलता। अगर मैं सच बात बोलता हूं तो आप मुझे ही कड़वी बातें बोलते हो, जबकि सच बात यही था, कड़वी बातें तो मैं बोल रहा था, आपको निकलना चाहिए थी ताकि कल की जिंदगी, कल उठने वाला सुबह जो है वो सफलता का सुबह होता, लेकिन ऐसा करते कहां हो। चलिए, मुझे उम्मीद है जरूर आप कीजिएगा। सबसे पहले लुसेंट याद करने से पहले पढ़ना आना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लुसेंट को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ना ही किसी को नहीं आता है और सबको इसको याद करने में लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। याद कीजिए थ्री इडियट में आमिर खान जब बोर्ड पे लिखता है अपने दोनों दोस्त के नाम, सबको किताब खोल के पढ़ना बड़बड़ा 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 बड़ देखने में लगा जाता है, किसी ने एक बात भी मुड़ के ये नहीं सोचा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, इस किताब में क्या खूबसूरती है, क्या है इस किताब के अंदर, किसी को पता नहीं है, बस सब कोई पढ़ने में लगे हुए हैं, सब कोई रटने में लगे हुए हैं, और ये किताब आपकी जिंदगी को, समय को गुजार देती है, लेकिन ये किताब किसी से सही तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। 100% स्टूडेंट के घर में ये किताब है टेबल पे, ये भी उतना ही सच है जितना बड़ा सच ये है कि सिर्फ 10% लोग इसको समझते हैं, 90% लोग इस दिमाग से बाहर का रखता है, और यही वजह है कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में, सक्सेस अभी उनसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। कर भी है लेकिन दिल की बात बता रहा हूं, लेकिन इसे पढ़ा जा सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जहां से आप एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकते हैं तब जब 21वीं सदी में कॉम्पिटिशन जो है गला चीरने वाली हो, उसके बाद भी ये किताब नहीं पढ़ा जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको यही पता नहीं है कि इस किताब को पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, इस किताब को सबसे पहले जैसे ही ओपन कीजिए आप अपने दिल दिमाग धड़कन में यह बता दीजिए यह किताब जो है ब्रह्मास्त्र है। इस किताब में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं उसको निकालिए, कौन कौन से पार्ट इंपोर्टेंट है पहले उसको पढ़िए,
उसको पढ़ने से पहले आपके पास में एक पेन होना बहुत जरूरी है। पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, जो समझ में नहीं आए उसको गूगल में यूज करना शुरू कर दीजिए, और सिर्फ 20 दिन में यह किताब आपके जुबा पे होगा। और जिस दिन यह जुबा पे चढ़ गई किताब, उसके बाद तो कभी सवाल ही नहीं उठता है कि आपका प्रीलिम्स इस दुनिया में कोई काट के दिखा दे। दूसरी बात, क्यों लुसेंट जो है सभी छात्र के रूम में होता, क्योंकि सबको पता होता है ग्रुप डी से लेके पीसीएस तक अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो वही सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र ही है। 70% से अधिक क्वेश्चन यही लुसेंट में पूछता है। यही वो लुसेंट है जो 66 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अपने नीतीश कुमार मार के आ गए। शर्म तो होती है, घबराहट भी होती है, आता हुआ प्रश्न गलत करके चले आए और आज तमाशा आपका बनता है, सब कोई तमाशा बना रहा है। होता हुआ रिजल्ट आपके हाथों से फिसल के चला गया, लेकिन फिर भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यह किताब कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सुजीत सर, इस किताब की एडवर्टाइजिंग करो। अरे नहीं, इस किताब की एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत ही क्या है जब सबके रूम में ही है। बस इस किताब को यह बता रहा हूं 20 दिन में याद होगा, 20 दिन में। आइए, छात्रों गलती करते कहां है लुसेंट पढ़ने में? आखिर इस किताब क्या ऐसी वजह है कि सुजीत सर जो आप बता रहे हो वो बात तो बिल्कुल मेरी समझ में आ रही है, लेकिन आखिर गलती कहां हो रही है वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। पढ़ती तो हूं, इतनी मिन्नत से पढ़ती हूं, रात रात भर जगती हूं, दाल भात खाके नजारे कितने साल तक अपनी जिंदगी को गुजार दी हूं, अभी भी वो खुशियां हासिल नहीं हुई है जिस खुशियां के लिए मैंने इस दुनिया में आई हूं। आखिर इसमें गलती हो कहां रही है? बस मुझे ये बता दो, जिंदगी आज क्या बदल जाएगी? आइए, आपकी गलती कहां हो रही है उसको समझते हैं। लुसेंट को सबसे पहले आप हल्के में लेते हैं। जब आप लुसेंट को हल्के में लीजिएगा, आपका एग्जाम आपके ऊपर भारी पड़ेगा। 66 ने ये प्रूव कर दिया लोगों को, अब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। 66 लेके डूब गया, शतक भी नहीं ठोक पाए, और जब शतक नहीं ठोक पाए तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? जवाब दीजिए, अपनी जिंदगी को जवाब दीजिए। कर भी है लेकिन दिल की बात है। कहां गया वो विजय दिवस जिसके लिए रात दिन एक कर दिए, और आज जाके 95 नंबर, 93 नंबर, 92 नंबर, 97 नंबर में आ जाके अटक गए। 150 में 110 क्यों नहीं आ पाया? ऐसे हजारों सवाल आपकी जिंदगी आपसे पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप लुसेंट को हल्के में ले रहे हैं। मत लीजिए लुसेंट, हल्के में लीजिएगा, एग्जाम आपको भारी में ले लेगा और लेके बाहर का रास्ता दिखा देगा, और आज लोगों के साथ में यही घटना घट रही है। दूसरा, जहां तहां से पढ़ते हैं, जो इंटरेस्टिंग आता है वही चैप्टर को उठाए और फटाफट पढ़ना शुरू कर दिए। क्या तमाशा है, क्या ऐसे सक्सेस मिलेगी? एक बार जिंदगी को पूछना, जहां तहां से सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना होगा। अगर इतिहास शुरू किए हैं तो इतिहास को कंप्लीट करके ही दूसरे सेक्शन में घुसना है। अगर ज्योग्राफी शुरू किए हैं तो ज्योग्राफी को कंप्लीट करके दूसरे सेक्शन में घुसना है, अदरवाइज गलती से मत घुसिएगा। देर होता हो लेकिन एक बार जो हो वो अपना हो, ये नहीं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में दगा देके चला जाए। इस बार भी दगा देके गया है। तीसरा, समय निश्चित कीजिए, और ये 21वीं सदी में सबसे बड़ा सफलता का राज है जो मैं आज यहां से ओपन बोल रहा हूं। जिस दिन समय आपने निश्चित कर दिया उस दिन सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज लोगों को सक्सेस इसलिए मिलती है क्योंकि वो समय की निश्चित नहीं कर पाते। अगर मैं किसी को बोलूं कि बताओ तुम्हारी सक्सेस कब लगने वाली है, कोई पता नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है। नेवर गिव अप, क्या होगा इससे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या होगा? कौन से मांझी बनने आए हो? समय इंतजार कर रहा है, सिस्टम के अंदर जल्दी जाके बैठो, जो कुर्सी खाली है अगर तुम नहीं बैठोगे तो कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठेगा, वो इंसाफ नहीं कर पाएगा उस जिला का, उस राज्य का, इस देश का, क्योंकि वो कुर्सी जो है सम्मान वाले व्यक्ति को चाहता। लेकिन आप तो तमाशा कर रहे हैं, किराए वाले घर में जाके बैठे हुए हैं। कब निकल के सिस्टम के अंदर जाइएगा, जवाब दीजिए, और वो समय निश्चित कीजिए अपनी जिंदगी में। दिमाग में सब कुछ हटाइए, सिर्फ एक चीज लिख दीजिए, 2021 के नवंबर में सक्सेस सुजीत सर, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, बस सक्सेस चाहिए, नहीं से ज्यादा नहीं से कम, बस एसडीएम तो एसडीएम, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। और यह आपको करना पड़ेगा, और यही 21वीं सदी में सफलता का सबसे बड़ा राज है। जहां कहो लिख लो, मैं लिख के खुद ही आपको दे देता हूं। और जब तक आप नेवर गिव अप लिखोगे, 5 वर्षीय योजना क्या 10 वर्षीय योजना आ जाएगी।
लोगों के साथ यही हो रहा। निरंतरता नहीं तो सक्सेस नहीं, यानी कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस नहीं होगी। कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा, और जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी तब तक सक्सेस आपसे 1-2 किलोमीटर नहीं, 1-2 हजार करोड़ किलोमीटर दूर रहेगी। आपको क्या लगता है, एक दिन खूब 7-10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन फिर से 10 मिनट पढ़ लिए, तो क्या इससे सक्सेस मिलेगी? सोचो, अपनी जिंदगी को से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्योंकि जब तक ये नहीं पूछोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कंटिन्यूटी अगर आएगी तभी सक्सेस करोगे, वरना सुजीत सर से पढ़ लो या दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लो, सक्सेस नहीं दिलवा सकता है। लेकिन जिस दिन कंटिन्यूटी आ जाएगी, उस दिन सुजीत सर से पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। जहां कहो ये भी बात मैं लिख के दे देता हूं आपको। नेक्स्ट जो है, दो हथियार इसमें प्रयोग करना है, इस रूसेट को पढ़ने में। एक हथियार जो है वो आपको क्या है, जितना पढ़िए उतना रगड़िए। जो चीज आज आपने टाइम डिसाइड किया, इस टाइम डिसाइड में मुझे इतने चैप्टर तक पढ़ना था, आपने पढ़ लिया, आपने सोच लिया, अब उसको रगड़ना शुरू कर दीजिए। जितना रगड़िएगा उतना निखरेगा, क्योंकि आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि रगड़ा हुआ चीज जो हाथों से होता है वो दिमाग में लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, जितना रगड़िएगा उतना दिमाग में लिखा जाएगा। लेकिन हमें क्या है, बस पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ। अरे क्या मजाक है, मैं भी ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, क्वेश्चन लिखवाता हूं, यही लिखो मेरे सामने, और फिर आके बोर्ड पे डिस्कशन करवाता हूं कि इसकी फॉर्मेटिंग ये होनी चाहिए, आप लोग अगर ये देते तो आपको अच्छा नंबर आता। और यही काम करता है, पढ़ाया हुआ काम नहीं करता है। जब तक आपको लिखने नहीं आया तो पढ़ा हुआ सब कुछ कूड़ा हो गया। जब तक आप लिख नहीं पाए, ये लूसेंट पढ़ के आपने कुछ नहीं उखाड़ पाए। जहां कहो ये बात भी मैं लिखने के लिए तैयार हूं। अभी से इसी वक्त से इस वीडियो देखने के बाद जितनी बातें बोली जा रही है आप इसके अंदर डाल लो, सक्सेस झक मार के नहीं आएगी तो सुजीत सर इसके जिम्मेदार है। ये मैं ओपन बोल रहा हूं, यहां से रिकॉर्ड करके रख लो। अब नेक्स्ट जो है, पिछले साल के प्रश्न को, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी खूब सारा प्रैक्टिस करो। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन है जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन अल्टरनेट करके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी इस पे हमें ज्यादा ध्यान रखा जाए। और नेक्स्ट और लास्ट जो है, 70% जो होता है क्वेश्चन आपका लूसेंट से पूछा जाता है, अभी भी और आगे भी आने वाले समय में, प्रिलिम्स के लिए, सिर्फ प्रिलिम्स के लिए। अगर आप 70% प्रश्न लूसेंट से आ रहा है तो आपका सक्सेस तो श्योर हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम वो चीज सोच ही नहीं रहे, बस हमें लगता है किसी तरह समय बीत जाए। अगर ये प्रोसेस आपने अपना लिया तो यकीन मानिए लूसेंट आपके लिए पढ़ना बच्चों का खेल हो जाएगा। 20 दिन के बाद ये लूसेंट आपके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से मास्टर तो नहीं उठ के आपके गले में विराजमान हो जाएगी। और ये जितनी भी बातें बोल रहा हूं, कुछ भी फिर उठकर बातें नहीं बोल रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, आत्मा से कर रहा हूं, सर झुका के कर रहा हूं, सारी बातें प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। आप यही गलती करते हो, इसीलिए लूसेंट 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होता है। और अगर पढ़ भी लिए तो एग्जामिनेशन हॉल में यही लूसेंट आपको दगा देता है। इसी लूसेंट को देख लीजिए, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन में पढ़ा जाता है, और जब भी कंफ्यूजन में आप पढ़िएगा तो वो पढ़ा हुआ चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में दगा देगा। नेक्स्ट और लास्ट, जो विषय पढ़ रहे हैं उसी परिवेश में खुद को रखें, जीत आपकी हो जाएगी। मैं हमेशा अपने शिक्षक में सीओ सक्सेस में जब भी मैं पढ़ाता हूं, जब भी हर दिन एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहा हूं तो मैं सारे बच्चे को कहता हूं चलो फ्रांस, फ्रांस में अपने आप को रखो, वहां के एटमोस्फेयर को देखो, नेपोलियन का क्या काम हो रहा, नेपोलियन मैं बनता हूं, और आप लोग जो है सारे के सारे या तो सावंत बनो या तो फिर तृतीय स्टेट वाले बन जाओ लोग, यानी कि नीचे जो गरीब हो, बुजुर्ग वर्ग हो, या फिर जो किसान हो, ये सब बनो, फील करो कि आप फ्रांस में हो, मत फील करो कि आप पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर हो, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ भी लोगे तो इतना कंफ्यूजन होगा कभी समझ नहीं पाओगे, ये बात आपको कोई नहीं बताता। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे। एग्जाम्पल, अगर आप मिट्टी पढ़ रहे हो तो आप फील करो कि आप लाल मिट्टी देख रहे हो, अब लाल मिट्टी कैसी होगी आपको पता चली गई होगी, अब उसमें क्या क्या पाया जाता है तत्व, उस तत्व के बारे में देखो, अब ये तत्व अगर पाया जाता है तो इसमें कौन सी फसल होगी इसके बारे में सोचो,
आप अगर वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो तो फील करो कि एक सभ्यता थी जिसमें हम तो नहीं थे, लेकिन देखते कि कैसे लोग थे, क्या थी उस सभ्यता की खासियत, क्या थी वर्ण व्यवस्था, क्यों लाई गई वर्ण व्यवस्था, इससे क्या परिवर्तन हुआ। आप फील करो कि आप वैदिक युग में बैठे हुए हो और ये देख रहे हो, तो फिर पढ़ने का एक अलग मजा है, एक अलग आनंद है। फिर आप जब पढ़ने बैठ जाओगे तो ये फील नहीं होगा कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 4 घंटे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है, और आज इस समस्या को मैंने पूरे तरीके से घेर के मार दिया। अब आपका ये लूसेंट सिर्फ 20 दिन में कंप्लीट होगा। आप ऐसे पढ़ के एक बार देख लो, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर मैं जिम्मेदार इसका हूं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कॉमेंट में बताइएगा, और इसकी कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल में चुभ गई, लगा कि आज से पहले किसी ने नहीं बताया, कुछ ऐसी बातें थी जो आंख भी नम हो गई, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।